अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, और थैंक यू फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। ये भी वीडियो जो है ईद की है। असल में थोड़ा सा आपको ये भी गाइडेंस दे दूँ कि जब भी जिस तरह के क्वेश्चंस आए करें, जैसे कि बार वर्ल्ड ईद, इस तरह के आर्टिकल्स, तो वो जो है उसमें सेल के लिए अलग से जो स्पेशल जिस तरह से ब्रांड जो लॉन्च कर रहा होता है, तो हमेशा से उस तरह की चीज़ें ख़रीदा करें। ये जी एम टेक्सटाइल का मैंने जो आर्टिकल्स मंगवाए थे, 6 आर्टिकल्स का सेट था। एक्चुअली ये छोटा सेट था, इस लालच में समझ लें या इस चक्कर में समझ लें मैंने मंगवा लिया था कि चलें 6 आर्टिकल्स होंगे, ईद के कुछ आर्टिकल्स होंगे अगर कोई लेना चाह रहा होगा तो। ये जी एम टेक्सटाइल की सिग्नेचर सीरीज थी, इसमें 6 आर्टिकल्स थे जो आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने मंगवाए थे होल सेलर से। ठीक है, ये इसका फर्स्ट आर्टिकल है जो आपको दिख रहा है, और मेरे साथ हुआ क्या था ये भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, बनाने का मकसद वीडियो ये है कि जब आप भी आपको जो है ये चीज़ें पता हों, और लेते हुए आप लोगों को किसी किस्म का जो है ना धोखा वगैरह ना हो। ठीक है, ये आ गया इसका सेकंड आर्टिकल। पहले मैं आपको कैटलॉग दिखा रही हूँ कि किस तरह के कैटलॉग में गिवन थे, मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ कैटलॉग में जब रिसीव हुई थी तो जो है ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, और बिल्कुल चीज़ पसंद नहीं आई थी प्राइस के लिहाज से। ठीक है, अगर यही चीज़ शायद प्राइस कम होती तो समझ में भी आता। ये आ गया इसका थर्ड आर्टिकल, ब्लैक में बहुत खूबसूरत था। ठीक है, और ये आ गया फोर्थ आर्टिकल, ये आ गया सिक्स्थ आर्टिकल, और ठीक है ये 6 आर्टिकल्स थे। अच्छा, इसकी प्राइस मैं बता दूं, कोट करती जाऊं, इसकी प्राइस जो है 2665 अभी भी पेज के ऊपर लगा होगा, आप अपना इनके पेज पे जाके चेक कर सकते हैं जी एम टेक्सटाइल के नाम से। तो ये इसकी रिटेल प्राइस थी, और जो मुझे होलसेल पे मिला था तो वो मिला था, ये मैंने 1800 का लिया था। ठीक है, अब जिस तरह की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, जिस तरह का इसका काम था, जिस तरह का कपड़ा था, 2000 से कहीं से भी ये जो है ना 2000 का भी नहीं बिकना था, और अगर बिक भी जाना था तो सामने वाले ने बिल्कुल पसंद नहीं करना था। और ये आ गया इसका दुपट्टा, बिल्कुल 100 रुपीज़ वाला जो नॉर्मल रेप्लिकास वगैरह पे दुपट्टा लगा होता ना, बस ये वो क्वालिटी का दुपट्टा है। ठीक है, कोई सिल्क विल्क नहीं था। ये आप इसके प्रिंटिंग चेक कर लें, ये मैंने कर दिया साइड में। ट्राउज़र के ऊपर बस जो है ना ये इसका कार्ड लगा हुआ था, जिसकी वजह से बस पता चला था कि जी एम टेक्सटाइल का है। ठीक है, इन छोटे ब्रांड्स की कॉपीज़ वगैरह नहीं बनती, तो इसीलिए। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि ये देख लें इसकी एम्ब्रॉयडरी, मैं करीब से दिखाऊंगी। बेसिकली कैमरे का रिज़ल्ट शायद इतना अच्छा नहीं था, तो इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ वरना आपको पता चलता, लेकिन काफ़ी हद तक पता चला कि एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी क्या है। और ये छोटे छोटे से फर्स्ट फूल बने हुए, और इसमें जो लाइन्स थी जो डोरिया लॉन करके इन्होंने दिया हुआ था, उस डोरी में जो है दाने दाने समझ लें या निट्स कह लें, अजीब से निकले हुए थे। और ये आ गया इसका पैच, पैच के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी निहायत ही गंदी तरीके से हुई हुई थी, बहुत बेकार इसके ऊपर हुई हुई थी। ये दोनों ही पाँचों के पैचेस हैं जो ऑर्गेन्जा पे दिए हुए थे, और बहुत छोटे थे। ठीक है, और वैसे बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे। ये आ गया इसका कैटलॉग। अच्छा, यहाँ से मुझे एक और बात पता चली थी, पहले मैं सोचती थी कि शायद टेक्सटाइल जहाँ लगा हुआ है वो पूरी टेक्सटाइल है, बट ऐसा नहीं होता। लोग जो है ना अपनी मार्केटिंग के लिए जो है टेक्सटाइल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, हालांकि ये इन लोगों की खुद की जो है प्रोडक्शन ना भी हो तब भी खुद लेके बाय करके सेल करो तब भी जो है अपने नाम के आगे इसे जीएम टेक्सटाइल लगा लिया। तो आजकल लोग जो है फैशन के तौर पे या फिर अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी ये चीज़ें कर रहे हैं, वल्लाह आलम के क्यों कर रहे हैं। खैर, ये आ गया सेकेंड आर्टिकल। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स इसके अच्छे भी थे, लेकिन 2000 तक के तो फिर भी नहीं थे, लेकिन खूबसूरती में अगर देखा जाए तो अच्छे थे 4 आर्टिकल, 2 बहुत ही बेकार थे। ठीक है, ये आ गया इसका पैच। इसकी पैच की क्वालिटी वाइज तो इतना ही था, लेकिन जो है ना लेंथ वाइज ये थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, हो सकता है इतना अच्छा कैमरे पे नहीं शो रहा हो, बट आई थिंक के शो हो रहा है। ठीक है, ये आ गया इसका पैच, और ये आ गया इसका आर्टिकल। असल में मुझे इसे वापस करना था, मैंने वापस कर दिया था, इसलिए मैंने इसको फुली ओपन कर करके नहीं दिखाया, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको वापस जाना था उसने तो आगे सेल करना ही था, तो फिनिशिंग वगैरह ख़राब ना हो, इसलिए मैंने जो है ना फुल ओपन नहीं करे थे आर्टिकल्स। ठीक है, ये मैंने वापस इसलिए रख दिया है, ये इसके पैचेस वगैरह जैसा आया था एज इट इज़ वैसे ही वापस चला गया था। और उसके बाद जो ना मैंने जौरा लिया था, जौरा यकीन करें बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स थे। ठीक है, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी तो वो आपको नहीं मिलेगी, बट कोशिश करूँगी जो उसकी पिक्चर्स वगैरह थी वो अपलोड कर दूँ, जो शॉर्ट वीडियोज़ मैंने बनाई हुई थी। अब ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, कोई आर्टिकल उसका ऐसा नहीं है जो रिमेनिंग हो। ये आ गया थर्ड आर्टिकल, ये भी खूबसूरत था, बट इसकी एम्ब्रॉयडरी सो थी। ठीक है, ये पर्पल कलर था, इसकी डोरियां सही थी, एक ब्लैक की डोरियां सही थी और एक शायद इसकी डोरियां सही थी, इसमें निटिंग नहीं थी या गंदगी नहीं थी। ये आ गया इसका पैच। ठीक है, वैसे ही क्वालिटी का था जैसे कि तमाम का है, लेकिन मैंने इसको करीब से नहीं करा है, कैमरा करीब नहीं गया तो इसलिए नहीं आपको नज़र आ रहा। ठीक है, तो ये आ गया इसका जो है ना ब्लैक आर्टिकल, में शो करूँगी। आर्टिकल दिखाने का मकसद ये है, ये पुरानी वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आपको
क्योंकि ये अभी भी मौजूद तो है ना, तो देख दाख के आप चीज़ें, हो सकता है इनके, अच्छा ये है पैच इसके ट्राउज़र का, और ये दो ट्राउज़र के ऊपर पैच है, इसकी लेंथ चेक कर लें। एक तो इसकी लाइंस जो हैं वो आड़ी थी, डायगनल हुई हुई थी, और ये अभी मैं इसको फोल्ड करूँगी, ये चेक करें कि ये दो पाइचों पे कैसे लगेगा। ठीक है, ये जो पैच की लेंथ थी वो दिखा दी, लेकिन इसका जो है ना कमीज़ बहुत खूबसूरत थी। अदरवाइज 2000 की प्राइस में, सॉरी 1800 की होल सेल में, और लाइफ की बात 2600 की रिटेल में तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये इसकी एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी, इसकी लाइन्स जो डोरियाँ थी वो अच्छी थी। ठीक है, क्लीन थी, एक इसकी और एक पर्पल वाली की। अभी तक याद है क्योंकि बहुत बुरा एक्सपीरियंस आता है इसके साथ, ये बहुत बहुत बेकार डिज़ाइन था, और अभी जब मैं इसको खोलूँगी तो आपको पता चलेगा। लास्ट आर्टिकल है, बेसिकली सिक्स्थ आर्टिकल है ये, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये आ गया इसकी, बहुत गंदी एम्ब्रॉयडरी थी, ये चेक कर सकते हैं आप, और कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कोई ब्रांड का सूट, और ब्रांड था भी नहीं। तो ये इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करने, करीब से दिखा दी आपको, और बहुत कलर भी अच्छा नहीं था, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी नहीं थी, और डिज़ाइन भी अच्छा नहीं था। ठीक है, ये कितना करीब से आपको दिखाया कि ज़ाहिर आपको, ताकि एक एक चीज़ जो है नज़र आए। ठीक है, ये चेक कर लें, ये सारी जो है ना इतनी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी के ऊपर हुई भी थी। ठीक है, ये लास्ट आर्टिकल था, ये भी आपको दिखा दिया है। अब इसको हम कर रहे हैं बंद, इसको कर दिया था वापस, और ये मैंने सेल नहीं करा था, वो सॉरी, ये वाला लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, ये इसकी डोरियाँ चेक करने, अब मैं कैसे बताऊँ, यहाँ मैंने उंगली रखी हुई है, ये देखें यहाँ से, ये जो है ना बिल्कुल सेंटर से मोटी आपको दिख रही होगी, इस तरह की लाइन डॉट्स थे। ठीक है, इस अब ये नहीं समझेगा कि इस डोरिया ऐसे ही होती है, आई नो कैसी होती है, क्योंकि एक और सूट मंगाया था जिसके ऊपर मसूरी भी जिसे कहते हैं, ये मसूरी लॉन थी बेसिकली, तो उस पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ़ थी, और बहुत खूबसूरत लुक दे रही थी ये, बेसिकली वो नहीं दे रही थी। ये दुपट्टा है, ये ट्राउज़र इसमें आपको दिखा दिया, एम्ब्रॉयडरी दिखा दी है। ये लास्ट आर्टिकल था, और ये आई थिंक पर्पल कलर में था या नेवी ब्लू में था, इस शेड के ऊपर आ रहा था। ठीक है, आर्टिकल कैटलॉग वाइज बहुत खूबसूरत थे। ठीक है, ओरिजिनल में तो खूबसूरत नहीं थे, और 2200 2000 की रिटेल में तो बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल सुटेबल नहीं थे इसके साथ में पैसे। ठीक है, तो ये आ गया लास्ट आर्टिकल। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, और पेज को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।